अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो गाइस, गर्मी हो रही, किचन में जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो जो है ना, दोपहर का टाइम है, तो हस्बैंड जी कुछ लेकर आए। अरे वाह, लाहौर में गर्मियों के दिनों में जो हम लोग खाते हैं वो है नान पकौड़े। चटनियाँ मिलती हैं दही की और उसकी दही और ये देखें गाइस, सरप्राइज, ये नान वाला। अरे वाली हंस रहा है, देखिए इतना प्यारा सा हंस रहा है। ये है आलू वाली टिक्की और ये है क्या बोलते हैं जान उसको, बेसन का नान। तो हो रहा है बहुत ज्यादा एक्साइटेड। मामा पापा क्या लेकर आए हैं? अरमली खाना है आपने? अरमली अरमली भी चुप है, बस वो क्या कह रहे हैं, दस्तरखान मुझे मिल जाए। जब से घर में दस्तरखान आया ना, ये दस्तरखान के पीछे पड़े हुए हैं। बस पहले आप लोग बताए क्या दस्तरखान नहीं था हम लोगों के पास, तो ये छोटा मोटा सा। ये देखें, ये से पाँव भी रख लेता है। अरे हमारी चौकड़ी मार के बैठते हैं ऐसे, तो ये समझता है कि ये कुछ और भी चावल इसके ऊपर बैठ के खाने वाला है। ये चटनी है, अभी देखें, ये भी चटनियों से खेलना शुरू कर दिया ऐसे। ये लो मम्मा, ये देखो। अरे मम्मा दे रही है आपको पकौड़ा खाने के लिए, खाओ ऐसे। गाइस, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज, हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये निकला है, ये हमारी जो मैडम है ना किरण, ये दोनों चटनियाँ मिक्स कर लेती हैं, पता नहीं इन्हें क्या मज़ा आता है। भाई आप लोग बताइएगा, आप ये पकौड़ों से चटनियाँ वगैरह मिलती हैं, ये मिक्स करके खाते हैं या ऐसे ही खाते हैं, कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। और तो गाइस, ये जो लाहौर की ये जो होता है ना शुरबा वाली चटनी, ये कोई चटनी होती है बताया जरा, कराची में कितनी मज़ेदार हरी सी चटनी होती है और गाढ़ा गाढ़ा सा दही होता है। गाढ़ा तो नहीं होता, पतला ही होता है, लेकिन उसमें हरी चटनी डली हुई। इनको कराची ही याद रहता है, हालांकि लाहौर में 7-8 साल हो गए, लेकिन नहीं, इनको कराची भूलते ही नहीं है। कराची के चटखारे हैं ना, वो चटखारे बहुत ही हैं। तो गाइस, आप सब बताएं जरा कमेंट्स में, इनको किरण किरण को लाहौर वाले ज्यादा चटपटा खाते हैं या कराची वाले ज्यादा चटपटा खाते हैं। तो मैं नान भी ले आया था साथ इसके, क्योंकि एक नान से तो गुजारा नहीं है। तो मिलते हैं आपसे फिर खाने के बाद।